महाराज जी के निवास भोपाल में यहाँ पर आयोजन हो रहा है हनुमान चालीसा का, जिसका हम लाइव प्रसारण दे चुके हैं और वहां मिले हैं भक्तों से। उसी श्रृंखला में मिलते हैं डॉक्टर धनंजय। राम राम साहब। आप डॉक्टर धनंजय शर्मा के क्या लगते हैं या क्या रिश्ता है, जरा बताएं। मेरा नाम गिरीश चंद शर्मा है, मैं डॉक्टर धनंजय शर्मा का मामा हूँ, सगा मामा हूँ। सगा इसलिए का सगे शब्द का अर्थ है ना कि कई लोग मामा हैं, चाचा हैं, दादा हैं, तो ये इसलिए मैंने सगा शब्द शुद्ध हिंदी का किया है। तो सम्मान सहित मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो धनंजय भैया की माँ है वो मेरी रियल सिस्टर है। क्या नाम था उनका? उर्मिला शर्मा। उर्मिला शर्मा। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं भोपाल में ही रहता हूँ। भोपाल में रहते हैं। डॉक्टर धनंजय शर्मा के घर से 4-5 किलोमीटर आगे घर है। अच्छा। वो बाबा का ही घर है, मेरा नहीं है, महाराज जी का ही घर है एक तरह से वो। मैं आपको मिलवा रहा हूँ बाबा नीम करोली के नाती डॉक्टर धनंजय शर्मा के मामा से। आप मुझे ये बताइए, बोलिए, आपकी बहन की शादी जी महाराज जी के पुत्र के साथ हुई जी, किस वर्ष में शादी हुई थी? ये 54 बल्कि 52 में हुई है। 52 में हुई थी। 54 या 52 का है, हम जब थे ही नहीं उस टाइम में। आप थे नहीं? हाँ, मेरा जन्म नहीं हुआ था। कब है आपका जन्म, कब हुआ? मेरा जन्म हुआ है 55 में। 55 में। हाँ। आपने महाराज जी के दर्शन किए हैं कभी? हाँ। कब? साक्षात किए हैं। कब? हमने यहाँ भोपाल में भी किए हैं। कब? ये जब ये मकान बन के तैयार हो रहा था, जिसमें अभी निवास स्थान है डॉक्टर साहब का जी, तो उसका उद्घाटन करने बाबा ही आए थे। बाबा आए थे? हाँ। तो आपने साक्षात दर्शन किए? साक्षात दर्शन करे हैं। तो इसके पहले हमने, हाँ, हमारी डॉक्टर साहब की बुआ हैं जो, हाँ, गिरजा जी जो हैं जी, उनकी शादी में भी हमने साक्षात दर्शन करे। अच्छा, उसमें आप थे? हाँ, हम थे। तब आपकी कितनी उम्र थी? हमारी उस टाइम में थी 12-14 साल के होंगे। 12-14 साल के थे जी। तो मैंने सुना है कि जब वो अपनी बेटी की शादी में आए थे तो बहुत कम समय रहे थे वहाँ पर। हाँ। कितनी देर रहे होंगे लगभग? मुश्किल से 1 घंटा रहे होंगे शायद। 1 घंटा बस रहे होंगे। तो और उन्होंने, अब उसका हम आपको विवरण बता रहे हैं जी, कि मेरे बड़े जीजाजी मतलब डॉक्टर धनंजय शर्मा के पापा ऊपर बैठे थे और अचानक आ गए। क्या नाम है डॉक्टर धनंजय शर्मा के पिताजी का? अनेक सिंह शर्मा जी। वो मेरे खास सगे बहनोई। तो वो ऊपर बैठे थे, महाराज जी अचानक आए, बीच वाले मंजिल पे आके बैठ गए जी और बुलाया। हाँ। उस टाइम तैयारी हो रही थी भात पहनने की। अच्छा। तो हम लोग भात लेके गए थे। भात लेके गए थे, तो फिर आप महाराज जी को भात पहनाया गया था? महाराज जी तो बस रुके ही नहीं था वहाँ उस टाइम में। अच्छा। बस आए। हाँ। उन्होंने इंतजार की, वो बुलाया कन्यादान। हाँ, कन्यादान के टाइम में आए, तो बोल मैं कन्यादान, बस आए बैठे। हाँ। और हमारे जीजाजी को कहा अनेका। हाँ। इधर आओ। एक और नई चीज मिली आपको कि बाबा अपने पुत्र को कैसे बुलाते थे, जैसे आम पिता बुलाते हैं अपने पुत्र को। क्या कहा? अनेका इधर आओ जी। तो जीजाजी एकदम हमारे आए ऊपर से तो। हाँ। तक तो अरे हम लोग ताऊ कहते थे उनसे। अच्छा। महाराज जी से ताऊ कहते थे। धनंजय भी कहते थे, हम लोग सब घर वाले ताऊ कहते थे उनसे कि ताऊ आ गए। अरे अचानक आ गए तो बड़े खुश हुए, शादी में आ गए गिरजा जी जी की जी। तो मेरे से भाई और भी थे, हम 5 भाई हैं जी, तो वो और लोग भी गए थे मेरे साथ में वहाँ शादी में जी। तो जब आ गए तो सब आ गए, अरे ताऊ आ गए सब। तो उस टाइम में तैयारी चल रही थी तो एक बात कही उन्होंने महाराज जी ने कि अनेका इंतजाम करो, गैस बत्ती लाओ। जबकि मकान बहुत डेकोरेट था। अच्छा। बिजली से इतना सजाया गया था वो मकान। हाँ। पहली शादी थी साहब उसका जी। उस खानदान की जी। लड़की की जी। बहुत जोरदार शादी थी साहब, देखने लायक शादी थी, ऐसी शादी हमने कहीं नहीं देखी साहब। अच्छा। अपनी लाइफ जी। और तो बोले साहब, अब मना तो बाबा के सामने कोई करता नहीं था जी जी। उन्होंने कहा हाँ ताऊ, बोले लाओ। उन्होंने छोटे जीआई से कहा धर्म नारायण जी जी जाओ। हाँ। तो वो गए तो पूरे सब दुकानों की। हाँ। गैस बत्तियां उतरवा के ले आए। अच्छा,
अच्छा। तो वो सब उतरवा लिए उन्होंने। हाँ। तो उतरवा के रखवाए। अब हिम्मत किसी की ये नहीं हो रही थी कि अब लाइट तो चल रही है। हाँ, ये हंडा क्यों जला रहे, ये क्यों आए, अचानक लाइट चली गई साहब जी, लीला थी बाबा की। हाँ। वो हंडों का जो है। हाँ। देखा मैंने तुझसे क्या कहा था, लाइट गई ना। हाँ। लगा हंडे सब कमरों में। हाँ। सब कमरों में अंधेरा हो गया तो सब कमरों में ऊपर से लेके नीचे तक हंडे लगाए गए। जब श्री जगदीश जी अपनी बारात, जगदीश बटेले जी अपनी बारात लेकर आए, बारात लेकर आए थे, तो एक रोचक प्रसंग सुनाया आपने कि हंडे लगाए गए थे वहां पर, ठीक है ना। बात करता रहूंगा, कारण यह कि आज भी इस कार्यक्रम का आयोजन है उसमें महती भूमिका है, और मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे पुनः समय दें और वो समय आपका लेकर और बातें बताएंगे। बस आज आप बाबा नीम करोरी की पुत्री गिरजा भटेले, पहले गिरजा शर्मा थी, अब भटेले, गिरजा भटेले हैं, उन दीदी का आशीर्वाद मैंने आपको दिलवाया, तो उनकी शादी से एक प्रसंग आपने सुनाया है। अब बस मैं एक बात और कहूँगा, एक बात और बताएं, फिर हम और बातें जानेंगे। फिर महाराज जी चले कैसे गए? अचानक चले गए। हाँ। हमारे बड़े भाई को कहा, मुझसे हम चौथे नंबर के भाई को जी, कि भाई प्रकाश चलो। और किसी को पता ही नहीं चला साहब, 4 बजे करीब, 3:30-4 बजे चल दिए वो। अच्छा। उनको लेके जी। अब हमारे भैया तो बोले कहाँ जाना है बताओ। चल। तो लेके चल दिए, तो वहाँ राजा मंडी की गली से निकले और वहाँ तक गए हमारे आगरा, नहीं राजा मंडी से राजा मंडी की स्टेशन की तरफ चल दिए वो। अच्छा, ये शादी कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी? आगरा की कोठी में हुई थी जो महाराज जी की। कहाँ पर है? राजा मंडी में है। कहाँ पर है? राजा मंडी गोकुलपुरा में। गोकुलपुरा में, गोकुलपुरा के मकान के भी दर्शन में करवाऊंगा जहाँ गिरजा दीदी की शादी हुई। शादी हुई थी। तो आज पता सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो दूसरा मकान हो। नहीं 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 तो जी, गोकुलपुरा में है जी, महाराज जी का आप नाम भी बता देंगे जी। आज बहुत बड़ी कोठी है वो जी। अच्छा। हाँ। तो वहाँ ब्याह हुआ था गिरजा दीदी का, और इतना शानदार कहीं ऐसा हमने कहीं नहीं देखा, इतना शानदार। अब केवल चलते चलते आज ये बता दीजिए कि आप बाबा नीम करोरी के सीधे रिश्तेदार हैं, यानी उनके बड़े पुत्र के साले हैं। मैं बड़ा पुत्र का उनका साला हूँ, और सबसे छोटा साला मैं ही हूँ, और मैं ही बचा हूँ, बाकी मेरे चारों भाई चले गए। चलिए, ये थोड़ा सा दुखद है, क्योंकि जो धाती है उस धाती में से कुछ ही नगीने रह गए हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि हम उनसे मिलवाएं। तो मामा जी से मैं जल्दी से फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। आज मैं आपसे लेता हूँ विदा।